हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ट्रेवस्क्रीन पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 3D में केबल्स को क्रिएट कर सकते हो, वो भी रियलिस्टिक तरीके से। और जब भी आप उस केबल को रेंडर करोगे तो मैं आपको मटेरियल्स को कैसे ऐड करते हैं ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मेरा 5th सीरीज है वीडियो का। मेरा 1st, 2nd, 3rd और 4th सीरीज आप जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप ब्लेंडर में इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। जिसमें उस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि किस तरीके से मैंने ब्लेंडर में मैक पीसी को क्रिएट किया है, उसके साथ ही साथ मैंने किस तरह कैसे रियलिस्टिक लुकिंग क्लॉक को क्रिएट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ब्लेंडर में रियलिस्टिक केबल को क्रिएट कर सकते हो। तो इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक स्विच बोर्ड बना रहा हूँ ब्लेंडर में। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा क्यूब को व्यू पोर्ट में अप्लाई किया है एंड इस पे मैं सॉकेट्स बना रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सिलेंडर लिया हुआ है और उसी को मैंने हल्का सा बेवल दिया हुआ है उस सिलेंडर को। और अभी मैंने यहाँ पे अरे मॉडिफायर को अप्लाई किया हुआ है ताकि हम और दो शेप्स को इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 शेप इसीलिए क्रिएट किया हुआ है जिससे हम यहाँ पे LED का फील इसे दे सके। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे स्विच बोर्ड पे फ्यूज का भी एक बटन होता है या कह लीजिए एक जगह होती है। तो अब हम उस फ्यूज को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए भी हमने सिंपल सा सिलेंडर को यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से HDRI इमेज अप्लाई करता हूँ। अगर आपको HDRI इमेज नहीं पता कि HDRI इमेज क्या होता है तो उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। तो आप मेरे सारे स्टेप्स को अप्लाई कर दीजिए जिसके सहायता से आप यहाँ पे इजीली HDRI इफेक्ट अपने रेंडर में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने HDRI को अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल को अप्लाई करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मटेरियल को कैसे अप्लाई किया जाता है। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो जिसमें आप मेरे सारे स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे उस LED का मटेरियल को अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि LED में एक लाइट एमिट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एमिटर नोड और एमिशन नोड को भी यूज कर सकते हैं, जिसके सहायता से हम यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह मेरा सब सेटिंग्स थे जहाँ पे मैंने यहाँ पे मटेरियल्स को क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप दूसरे सारे मटेरियल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब वो फ्यूज को जो हम सिलेंडर यूज किया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम इस सिलेंडर को हम और अच्छे से एनहांस करेंगे जिससे कि यहाँ पे रियलिस्टिक फील दिखाई दे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हार्ड ऑप्स और बॉक्स कटर करके एड ऑन आता है, तो मैं यहाँ पे वो एड ऑन यूज कर रहा हूँ। अगर आपको यह एड ऑन चाहिए तो आप ब्लेंडर के वेबसाइट पे जाके हार्ड ऑप्स या बॉक्स कटर के वेबसाइट पे जाके इसे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम वीडियो में और बातें करेंगे कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो अभी हम यहाँ पे उस फ्यूज को मटेरियल दे देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे रेड मटेरियल ही सूट करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रेड मटेरियल को अप्लाई किया हुआ है। और अब हम एक रेंडर करके देखेंगे कि ये कैसा फील दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे हमने LED को क्रिएट किया था वहाँ पे लाइट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए हमने उस मटेरियल में एमिशन नोड का इस्तेमाल किया था जिससे सहायता से हमें ये ग्लो इफेक्ट मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक स्विच को क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि स्विच बोर्ड में एक स्विच भी होता है, तो अब वो स्विच हम जल्दी से क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए तो मैंने डायरेक्ट ही एक क्यूब का ही इस्तेमाल किया है। तो इस क्यूब को अब हम एडिट करेंगे एडिट ऑप्शन में जाके, और उसके बाद हम इसको थोड़ा इंसर्ट करके इसे थोड़ा एक्सक्लूड डाउन कर देते हैं। उसके बाद वापस से हम उसे ऊपर की तरफ एक्सक्लूड करेंगे और एक साइड से हम इसे थोड़ा नीचे की तरफ बेंड कर देते हैं ताकि ये हमें स्विच का फील दे सके। तो ये सिंपल तरीका है। तो इसके साथ हम थोड़ा इसे बेवल कर देते हैं ताकि इसमें हमें थोड़ा बेवल भी मिल सके।
तो इस तरह से आप स्विच भी बना सकते हो। सिंपल तरीका है जो आपको बताया हूँ। तो अब हम सिर्फ इसमें मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं और फिर ये चीज़ हो गया है। तो आप देख सकते हो, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरीके से टेक्स्ट को इजीली अलाइन कर सकते हो। तो आप मेरे स्टेप्स को देख सकते हो। तो इसमें मैंने श्रिंक रैप मॉडिफायर को यूज़ किया है। इसके सहायता से हम यहाँ पे अब टेक्स्ट को उस सरफेस पे श्रिंक रैप कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप इजीली कोई भी टेक्स्ट को किसी भी सरफेस पे इजीली फिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे टेक्स्ट को अलाइन किया हुआ है इस बॉक्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा और इसे रियलिस्टिक फील देने के लिए सारे टेक्स्ट को अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रियलिस्टिक लुकिंग स्विच बोर्ड बना सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आपको मेन चीज बताऊंगा कि अब आप किस तरीके से वायर्स को क्रिएट कर सकते हो, जो इस वीडियो का मेन फेज है। तो अब हम जल्दी से वायर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो वायर्स को क्रिएट करने के लिए भी सिंपल मेथड है। तो अगर आपको वायर्स क्रिएट करना है तो ब्लेंडर में कर्व्स करके ऑप्शन आता है, या फिर आप बेजियर कर्व्स भी यूज कर सकते हो। आप मेरा स्क्रीन को देखिए और उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने सारे स्टेप्स किए हुए है, उसी तरीके से आप भी सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से ब्लेंडर में या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर में वायर्स को क्रिएट कर सकते हो। आप 3ds Max में भी इसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको स्प्लाइन की जरूरत होगी, जो कि 3ds Max में आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्लेंडर में आपको बेजियर कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक बेजियर सर्कल व्यूपोर्ट में ऐड किया हुआ है। उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक बेजियर कर्व भी यूज किया हुआ है। और अब हम इसे सिर्फ आगे की तरफ एक्सक्लूड कर देंगे और उसके बाद हम सिर्फ इसे अलाइन कर देंगे जिस तरह से हमें उस वायर को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में वायर क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़े देर के लिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से एक बेजियर सर्कल को व्यूपोर्ट में ऐड किया हुआ है। आपको अगर बेजियर सर्कल को ऐड करना है तो आप शिफ्ट ए प्रेस करके कर्व्स ऑप्शन में बेजियर सर्कल को ऐड कर सकते हो। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो। उसके साथ ही साथ मैंने बेजियर कर्व को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप मेरे सेटिंग्स को देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से सेटिंग्स को यूज किया हुआ है। उसके बाद एक बार आपने सारे सेटिंग को कर लिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इजीली आपके हिसाब से वायर को क्रिएट कर सकते हो। कितने भी लेंथ में और कौन से भी शेप में आप वायर को इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप सिर्फ इसे एक्सक्लूड करके वायर को क्रिएट कर सकते हो। और इस मेथड में सिर्फ आपको यहाँ पे वायर को एक्सक्लूड करना है, ताकि यहाँ पे हम मेन वायर के जो पिंस होते हैं उसे भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वायर के पिंस को क्रिएट करने के लिए हमने तो सिर्फ यहाँ पे क्यूब यूज किया हुआ है, एंड इसमें थोड़े हम बेजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप इसे चैम्फर भी कह सकते हो। तो हमने यहाँ पे चैम्फर किया हुआ है इसे, और हमने बेवल भी कह सकते हो। तो हमने बेवल और चैम्फर इसे कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली एक थ्री पिंस को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सा एक सिलेंडर को यूज किया हुआ है पिंस क्रिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसे क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम और रियलिस्टिक फील देने के लिए अब हम इसका फ्लोर क्रिएट करते हैं और थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट डालते हैं, ताकि इसमें हमें और थोड़ा डेप्थ मिल सके और हमारा जो रेंडर है वो रियलिस्टिक फील दे सके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने और भी कई चीजों को ऐड किया हुआ है, जिससे हमें इसमें और थोड़ा रियलिस्टिक फील मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फ्यूचर में और नए वीडियो बना सकूं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मेरे पिछले वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। मैंने उसके लिंक आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फोन को, या कह लीजिए एंड्रॉयड फोन को, ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडर में पेंटिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हो, या कह लीजिए फोटो फ्रेम को कैसे ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है। तो दोस्तों, बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, गुड बाय फ्रेंड्स।